माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल, प्रभु के लिए बहुत काम करना, चमत्कार दिखाना या सुसमाचार का घोषणा करते हुए जगह जगह दूर दूर जाना या अन्य सेवकाई गरीबों की मदद करना, बहुत कुछ कार्य, बहुत कुछ, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा दिन भर व्यस्त रहता है। ये अच्छा है या प्रभु के संगति में प्रभु के पास बैठा रहना, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चीज है? प्रभु के लिए बहुत ज्यादा काम करना या प्रभु के पास बैठ करके प्रार्थना करना, कौन सा उचित है? हाल ही में हम लोग कुछ ऐसा चर्चा चल रहा था, हमें मालूम है हमारे कैथोलिक चर्च में कुछ जो क्लोइस्टर्ड लाइफ, मतलब अपने जीवन को एक आश्रम में बंद कर करके वो कुछ बाहर नहीं निकलते हैं और वहाँ रह करके प्रार्थना प्रभु के सामने दिन रात बैठ करके प्रार्थना करते हुए जीवन जीने वाला एक ग्रुप होता है, उनको क्लोस्टेड लाइफ बिताने वाला जो ग्रुप कहते हैं। वो मोनेस्ट्री में रह करके अपने जीवन को इस प्रकार बांध करके रखा हुआ, क्लोस्टेड का मतलब भी यही है ना। एक ऐसे कई समाज हैं, क्लोस्टेड जो समाज है उन लोग उसमें ज्वाइन करने के बाद इसके बाद घर नहीं जा सकता है, उसी समाज में रह करके प्रार्थनामय जीवन जी करके उनका मृत्यु तक वहाँ रहता है। कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल बातें हैं, हाँ उसी समय पर केवल उनको जाने देता है। ये जो क्लोस्टेड लाइफ के जो क्लोस्ट ये शब्द लैटिन वर्ड एक है क्लोसुरा, उस शब्द से निकाला है, उस लैटिन वर्ड से निकाला है, उसका मतलब है टू शट अप या बंद रखना, बंद रखना। तो एक व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार एकांत जीवन जी करके अपने को ऐसा बांध करके प्रभु से बंद कर करके रहना और बाहर नहीं निकलना और किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, ऐसे नियम में रहने वाला एक समुदाय है, ये है क्लोस्टर्ड लाइफ वाले जो समुदाय लोग। तीन प्रकार का क्लोस्टर लाइफ है। सबसे पहला है एक पेपल क्लोस्टर कहते हैं, पेपल क्लोस्टर, यह सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म, एक बार उस मोनास्ट्री में या उस समाज में ज्वाइन किया इसके बाद वे लोग बाहर निकलते नहीं, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, बाहर के लोगों से बिल्कुल मिल नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, इवन छुट्टियों में अपने घर नहीं जा सकता, छुट्टी नहीं होता उनको, वो पूर्ण रूप से उस समाज के साथ जुड़ करके प्रभु से जुड़ करके जीवन जीने वाला, उसको पेपल क्लोस्टर कहते हैं। दूसरा एक है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोस्टर कहते हैं, ये एक प्रकार का हम बोल सकता है एक कंटेम्पलेटिव लाइफ जीवन जीने वाले हैं और इनको कुछ अपोस्टोलिक काम, प्रेरिताई कार्य या चैरिटी का कार्य करने का इन लोगों को थोड़ा सा
अनुमति है, इसलिए वे बाहर जा सकता है उस कार्य के लिए और लोगों से मिल सकता है इस प्रकार। लेकिन क्लोस्टर लाइफ तो जी रहा है, लेकिन इन कार्यों के लिए वो अपने जो मोनास्ट्री के बाहर भी जाने का अनुमति है। उसी प्रकार तीसरा ग्रुप भी मोनास्टिक क्लोस्टर कहते हैं, मोनास्टिक क्लोस्टर, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोस्टर जैसे, उनको भी थोड़ा सा आज़ादी है, केवल उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोस्टर जैसे नहीं, थोड़ा सा और आज़ादी ज़्यादा है। इन लोगों को गेस्ट से मिलने का, अगर परिवार से कोई आया है उनसे मिलने का, बातचीत करने का भी इनको अनुमति है। और दूसरा, जो गेस्ट आया है, अपने परिवार से कोई आया है, उनको उस जो मोनास्ट्री में, जो गेस्ट रूम है, वहाँ रखने का ऑर्डर भी इस प्रकार मोनास्टिक जो क्लोस्टर लोग हैं उनको अनुमति है। और दूसरों का बातचीत सुनने के लिए, उनका काउंसलिंग करने के लिए, ये सब ये लोग अन्य लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन एक क्लोस्टर्ड लाइफ जी रहा है, लेकिन उसमें इनको इतना अनुमति है। और सवाल है, इनका ये जीवन, ये कोई बड़ा बड़ा कार्य तो करने रहे, विशेषकर जो पेपल क्लोस्टर है, उन लोग तो बस उस आश्रम के अंदर ही रहता है, आश्रम के बाहर या किसी से मिलने का अनुमति नहीं, बाहर किसी से बातचीत नहीं कर सकता, ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर। उनमें से एक सिस्टर को या एक फादर को, ऐसा जो क्लोस्टर में जो रह रहा है, उनको एक अनुमति है, जैसे बाजार करने के लिए गया, बस उतने के लिए वो जा करके कोई दुकान से कुछ सामान खरीदा, उतना बात कर करके वो आ जाएगा। अन्य लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये सब उनके लिए मना है। अपने पूरे जीवन को प्रभु से जुड़ करके सारे संसार के लिए प्रार्थना करते रहता है लोग। अपने जीवन को इस प्रकार प्रभु से बंद करके, अपने आजादी को बंद कर करके, उस कष्ट, उस पीड़ा, उस तकलीफ, उस समर्पण को संसार के भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर जीने वाले लोग। अभी सवाल उठता है, इनका कुछ काम कर करके जीना चाहिए या कुछ सेवा कर करके जीना चाहिए, बस प्रार्थना प्रार्थना आश्रम के अंदर रह करके जीवन भर ऐसा रह करके, कई लोग बोलते हैं तो बेकार का जिंदगी जी रहा है, इनको कुछ स्कूल में पढ़ाओ या हॉस्पिटल में सेवा करो, बूढ़ियों को देखो, ऐसा ऐसा कार्य में पुण्य कार्य है, ये कौन सा फालतू का कार्य है। कुछ लोग ऐसे जीवन जीने वालों का, प्रार्थनामय जीवन जीने वाले, प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीने वालों का टोकते हैं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 में वाक्य 38 से आगे, ईसा मसीह एक बार मर्था मरियम के घर में आया, लासर के घर में आया। उस समय पर ये दो बहनें मर्था और मरियम, हमें मालूम है कहानी, मर्था प्रभु को और शिष्य लोगों का सेवा सत्कार के लिए बहुत कार्य कर रहा था, बहादुरी कर रहा है। जैसे यहूदियों में एक प्रधा, एक अतिथि घर में आया, उनका किस प्रकार मान सम्मान रख करके उनका खान पान, ये स्वागत, ये सब होना चाहिए, उसी प्रकार उस प्रथा के अनुसार ये चिंतित था, ये दुखित था, ये सेवा में लगा हुआ था। और उन्होंने देखा उनका बहन मरियम कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है, वो चुपचाप प्रभु के चरणों में बैठ करके उनकी शिक्षा सुन रहा है। और यहूदी समाज में किसी स्त्री को किसी गुरु के चरणों में बैठ करके इस प्रकार गुरु की शिक्षा सुनने का अनुमति भी नहीं होता है। स्त्री गिनती में नहीं होता, स्त्री पढ़ लिखे नहीं होता, केवल पुरुषगण इस कार्य करते हैं। यहां पर उल्टा मरियम प्रभु के चरणों में बैठती है, इसलिए भी मर्था आते हैं प्रभु के पास शिकायत लेकर के, क्या बोला है, परंतु मर्था सेवा सत्कार में अनेकों कार्य में व्यस्त था। वो प्रभु के पास आकर के कहा, प्रभु क्या आप यह नहीं ठीक समझते हैं
कि मेरी बहन सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है, आपको अच्छा लगता है? हम दो बहनें हैं, दोनों मिलकर के कार्य करना चाहिए। हम यहूदी स्त्रियों का एक पहला कार्य यही है जो आए घर में आए वाला मेहमानों का देखभाल करना, और ये हम मेरी मदद नहीं कर रहे, मैं तक रहा हूं। उससे कह दीजिए मेरी सहायता करने के लिए, उठ करके आने के लिए, किचन में आओ या अन्य कुछ कार्य करने के लिए। तब प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मर्था मर्था, जहां कहीं भी प्रभु दो बार एक नाम लिया है उसका बहुत मतलब होता है, बहुत अर्थ होता है। यहां पर दो बार मर्था को बुला करके उससे कहते हैं, तुम बहुत सी बातों की विषय में चिंतित और व्यस्त है। बहुत ऐसा बात है, यहूदियों को अपने मेहमानों का कैसे मान सम्मान रखना है, प्रभु के लिए अन्य शिष्य लोगों के लिए भोजन क्या देना है, उसको तैयार करना है, हो सकता है नौकर चौकर भी होगा, और उनके साथ ऐसे अनेकों कार्यों में व्यस्त। आगे प्रभु कहते हैं, ये अच्छी बात तो है, मेहमानों का सेवा करना कोई गलत नहीं है, सही है। इसलिए प्रभु आगे 42वें वाक्य में कहते हैं, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। क्या है? मरियम ने वो सबसे उत्तम भाग, जो आवश्यक बात, चुन लिया है, वह उसे नहीं लिया जाएगा। प्रभु यहां पर कहते हैं, एक व्यक्ति बहुत सुबह से लेकर के रात्रि तक मेहनत कर रहा है, उसके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। ऐसे अनेकों पुरोहितों को मैं जानता हूं, एक सुबह का एक मिस्सा फटाफट बोल करके खत्म किया, चर्च बंद है, इसके बाद स्कूल कॉलेज अन्य चीजें, इसमें वो कार्य ये कार्य, पता नहीं, परेशान है, लोगों की सेवा ही कार्य कर रहा है, अपना कार्य नहीं, सेवा में लगा हुआ है, लेकिन उनके पास, प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं है। एक घंटा प्रभु के साथ आराधना में बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। जिस पुरोहित सवेरे एक मिस्सा अर्पित किया, इसके बाद एक घंटा प्रभु के साथ बैठने के लिए, अडोरेशन में, आराधना में बैठने के लिए समय नहीं है। सुबह शाम उनके प्रार्थना है, वो प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। अपने समुदाय के साथ मिलकर के प्रार्थना करने के लिए एक प्रीस्ट है, असिस्टेंट प्रीस्ट होगा, वहां एक नौकर होगा, क्या उस समुदाय बैठ करके प्रार्थना करने के लिए उनके पास एक घंटे का समय नहीं है, लेकिन अनेकों कार्यों में व्यस्त है। इसी प्रकार है शादीशुदा लोग भी, ना चर्च जाने के लिए समय है, इवन संडे भी उनको काम है, ना पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय है, पूरे दिन रात मेहनत कर रहा है, व्यस्त है, पता नहीं कहां व्यस्त है। प्रभु के पास बैठने के लिए, प्रभु के लिए समय नहीं है। एक क्लोस्टर समुदाय इसलिए शुरू हुआ, ये समुदाय प्रभु के लिए अधिक समय देने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला, दुनिया को छोड़ करके दुनिया के लिए अपना सुख, अपना सब कुछ समर्पित कर दुनिया के लिए जीने वाले लोग, प्रभु के साथ जुड़ करके कार्य करने वाले लोग, केवल उनके पास प्रभु के लिए समय है। उनको मालूम है प्रभु को समय देगा, दुनिया के लिए हो जाएगा। जिसके पास दुनिया के लिए दिन भर कार्य कर रहा है, प्रभु के लिए समय नहीं है, वो काम सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए प्रभु यहां पर सिखाते हैं कि 42वें वाक्य में एक ही बात आवश्यक है, वो कौन सी बात है? प्रभु के साथ रहना। मार्कुस का सुसमाचार को निकालना चाहूंगा, मार्कुस का सुसमाचार
उसके अध्याय 3 के अंदर प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को चुनते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14-15 को ही पढ़ लेते हैं, सीधा उधर जा रहा हूं। ईसा ने उन लोगों में से 12 को नियुक्त किया, डायरेक्ट जा रहा हूं, अपॉइंटेड अपोस्टल्स, जो 72 लोगों में से 12 को अलग किया, नियुक्त किया अपोस्टल के रूप में, अपॉइंटमेंट चल रहा है इधर। किस लिए 12 को अलग कर करके नियुक्त किया? आगे लिखा है, जिससे वे लोग उनके साथ रहे। चुने हुए लोग यीशु के साथ रहने के लिए चुना है। चुने हुए लोगों को इसलिए नहीं चुना है प्रभु को छोड़ करके अन्य कार्य में लगो, उसके लिए बहुत लोग हैं। चुने हुए लोग, जैसे मैं समझता हूं प्रभु ने मुझे चुना है, अन्य लोगों से ज्यादा मुझे प्रभु के साथ प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु के कार्य में लगे रहना चाहिए। मेरा सोच हमेशा प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे मालूम है। चुने हुए लोगों से प्रभु आग्रह करता है प्रभु के साथ वे रहे, प्रभु को छोड़ करके कोई कार्य मत करो। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। कब? जब प्रभु से जुड़ा हुआ है तब प्रभु हमें अधिकार देगा, सामर्थ्य देगा हम कुछ कार्य करने के लिए। प्रभु में रह करके अडोरेशन, प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, पारिवारिक प्रार्थना, अपना जीवन ऐसा प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन, प्रभु जैसे दिखने वाला जीवन। बहुत उदाहरण है, मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा इस क्लास के अंदर। जैसे मर्था और मरियम का उदाहरण लेकर, या उस क्लोस्टर्ड लाइफ जीने वाले जो पुरोहित हो या धर्म बहन हो, वे लोग अपने पूरे जीवन प्रभु के साथ जुड़ करके रखा है और उसी के द्वारा वो संसार के मुक्ति का कार्य कर रहा है। प्रभु ने जिससे भी चुना है उन्हें भी यही कार्य करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, मैंने प्रभु को सर्वस्व मानकर, मुक्तिदाता मानकर, मेरा लक्ष्य मानकर चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु के कार्य के लिए चुना है, प्रभु के साथ रहने के लिए चुना है, प्रभु में रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए। प्रभु ने जिस कलीसिया को बनाया उस कलीसिया से जुड़े रहकर, उस कलीसिया के अधिकारी के अधीन रहकर, इस प्रकार यीशु से जुड़कर, यीशु के उस शरीर का अंग बनकर हमें सेवा करना है। मसीह से कट करके, अलग कर करके, अपने मन मर्जी से, मर्था जैसे व्यस्त, प्रभु के बगैर नहीं। मरियम ने उत्तम भाग चुना, जो क्लोस्टर्ड लाइफ जीने वाले उत्तम भाग चुनने वाले लोग हैं, उनकी निंदा करने वाला वो बंद करना चाहिए। बल्कि हम अपने वैवाहिक जीवन हो या पुरोहिताई जीवन, धर्महन का जीवन, प्रभु से इस प्रकार जुड़ करके सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करते हुए हम भी जिएंगे। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे उनको मैं याद करता हूं, बच्चे बड़े जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, निसंदानों को संदान मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, नशे के से मुक्ति मिले। निर्णय कीजिए रोज प्रार्थना करने का, घर में पारिवारिक प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, इस प्रकार एक पवित्र जीवन, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने का निर्णय करें। हमें भी प्रभु के कार्य के लिए अपने को बंद रखना, बुराई से हमें अलग कर प्रभु से बंधना है हमें।
क्लोस्टर्ड लाइफ, प्रभु से जुड़े हुए जीवन, सब कुछ प्रभु के द्वारा, प्रभु को महत्व, प्रभु के कार्य के लिए महत्व, प्रार्थना के लिए महत्व निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।